बहुत ज्यादा भूख लगा था और चिकन भी मजा का सजा हो गया। बिल्ली मेरे खाने पे ना मुंह लगा दिए और देख लेता हूँ थोड़ा सा खाना बचा हुआ तो इसे खाऊंगा। बोलते हैं दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, तो इस खाने पे मेरा नाम लिखा ही नहीं। तो पिछले एक घंटा से पानी कंटिन्यू गिर ही रहा है, छूट ही नहीं रहा है पानी, पता है। और मैं तब पार्सल बांटने जाऊंगा ना, वही दिक्कत हो रहा है यार, इतना तेज पानी। तो दोस्तों पानी ना जोर से ही स्टार्ट हो चुका है, देख ही सकते। हमने कहा जल्दी से 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ और पता है 2 दिन से मैं पानी में भीग भीग के काम कर रहा था ना, तो उसके कारण मेरे मोबाइल के अंदर पानी घुस गया है और मोबाइल ना खराब हो गया है, जो अभी चार्ज होने में ना भारी दिक्कत हो रहा है। फिलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, दोस्तों फिलहाल ऑफिस आ गया हूँ और ऑफिस अभी तक खुला नहीं है, अब इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ शायद मेरा आज हड़बड़ी में जल्दी आ गया ऑफिस, ठीक है। तो देखता हूँ, अभी इंतजार कर लेता हूँ, जल्दी से खुल जाएगा तो फिर जल्दी से बांटूंगा। और मेरे को ना आज बहुत ही ज़्यादा काम है और घर भी जाना है, जल्दी बताऊँगा मैं क्या काम है, ठीक है। जिस दिन दोस्तों सोचता हूँ कि थोड़ा कम पार्सल मिलेगा, उसी दिन ना बहुत ही ज़्यादा पार्सल मिलता है। और आज भी ना मेरा पार्टनर छुट्टी मार दिया, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं अपना बैग तैयार कर चुका हूँ, आप देख ही सकते हैं कितना सारा पार्सल है। दोस्तों फिलहाल मैं फर्स्ट स्टॉप पर आ चुका हूँ, करंट ना मारे कल की तरह, बजा के नहीं पता नहीं, 540 रुपये कैश दीजिएगा ना। दोस्तों आप लोग ना मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है क्या? अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलता हूँ भी अगला स्टॉप पे, अब यहाँ पे 2-3 पार्सल है, 2-3 पार्सल दे चुका हूँ, ठीक है। ये 2 पार्सल है, आगे जाता हूँ। आज भी मौसम कर रहा है कहीं पानी ना गिर जाए, यहाँ का एक पार्सल है। मैडम मैडम पार्सल था यहीं पे, छोड़ दो क्या दरवाजे में, ये हो गया है, छोड़ दो यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ का ही पार्सल दे दिया हूँ और अभी ना यहाँ का एक पार्सल है, ये जो दिख रहा है ना बड़ा सा, ये वाला। पहले घंटी बजा देता हूँ उसके बाद करंट ना मारे भाई, कल 2 बार करंट मारा था। दोस्तों पार्सल बांटने चला गया था और भीग जा रहा था और मैं रेनकोट लेके आया था, ठीक है। मैंने ऑफिस में भूल गया था रेनकोट, तो फिर लेने के लिए ऑफिस आया तो भीग ही जाता है, देख ही सकते हैं, पर बाल वाल भीग गया और पानी रिमझिम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ढकना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको फर्स्ट इसी अचानक से। दोस्तों देखिए कितना तेज बारिश स्टार्ट हो चुका है और मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी जाऊंगा ना भीग के तो कस्टमर तो नहीं निकलेंगे घर से। आधा घंटा से पानी बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहा है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ा बैठ ही जाता हूँ, अब पानी कब छूटेगा ना भगवान भरोसे, जब पानी छूट जाएगा तभी मैं पार्सल बांट पाऊंगा, नहीं तो ऐसे तो अभी आज क्या बताऊँ यार। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ से, अपना सिटी का नाम जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे को भी पता चला कि आप लोग वीडियो मेरा कहाँ कहाँ से देखते हैं, अपना सिटी कंट्री चाहे आप कोई सा भी देश से हैं, तो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपना देश कंट्री का नाम या सिटी का नाम या गांव का नाम, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चला कि भाई लोग वीडियो मेरा कहाँ कहाँ से देख। दोस्तों धीरे धीरे ना बारिश तेज होते जा रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ही तेज़ हो रहा है बारिश, और मेरा बाइक सो रहा है, खड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। और बाइक में ही बैठे बैठे बहुत देर से ना थक गया था, तो मैं सोचा थोड़ा सा उतर जाता हूँ इधर। दोस्तों पिछले एक घंटा से पानी कंटिन्यू गिर ही रहा है, छूट ही नहीं रहा है पानी, पता है। और मैं कब पार्सल बांटने जाऊँगा ना, वही दिक्कत हो रहा है यार। तो एक घंटा भी अगर छूट जाता ना पानी अच्छे से, तो मैं पूरा पार्सल डिलीवर कर देता, जितना डिलीवर हो पाता है, कम से कम अभी ऐसे पानी में तो एक भी डिलीवर कर नहीं पा रहा, अभी पिछले एक घंटा से बैठा हुआ हूँ, देख ही सकते हैं रिमझिम बरस ही रहा है। और ये रहा मेरा बाइक, पहले वहाँ पे बैठा था थक गया, फिर मैं यहाँ पे आके बैठा, अब कहाँ पे जाऊँगा बैठने के लिए, वही सोच रहा हूँ, हंसी आ रहा है बस, पता है।
दोस्तों लगभग 2 घंटा हो चुका है, ठीक है, 2 घंटा से बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिलीजन गिर जाना तो बांटना स्टार्ट ही कर देता हूँ। जो 2 दिन से जीत के बांटता हूँ वैसे ही बांटूँ, हालांकि ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, बस जल्दी से पार्सल दूँगा ताकि मोबाइल में पानी ना गिरे, ठीक है। हल्का सा छूटा है पानी तो जल्दी से जाता हूँ पार्सल बांटने, क्योंकि पार्सल ना मेरे पास बहुत ज़्यादा है। दोस्तों पहला पार्सल तो दे चुका हूँ, बारिश तो ख़त्म हो नहीं रहा है, ठीक है, और जल्दी जल्दी पार्सल बांटता हूँ दोस्तों। मैं वीडियो अभी शूट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मोबाइल ना ख़राब हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब मिलते हैं, जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। फिर से दोस्तों पानी ना ज़ोर से ही स्टार्ट हो चुका है, देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पानी फिर से स्टार्ट हो गया है, दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा स्टार्ट हो गया है। दोस्तों फिलहाल यहाँ का पार्सल लेके आया था, वहाँ पर ताला ही बंद है और कॉल भी नहीं लग रहा, पता है कैसे करूं, वही सोच रहा हूँ, पानी भी गिर रहा है। दोस्तों आज बार बार कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ रहा है, पानी ना रुक नहीं रहा, पता है 2 मिनट रुकता नहीं है, हल्का सा कम होता है फिर पानी स्टार्ट हो जाता है, देखिए अभी तो सबसे ज़्यादा तेज। दोस्तों फिलहाल यहाँ का एक पार्सल लेके आया था और पानी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कॉल किया ना तो बोल रहे कि कल लेके आना, ठीक है, तो कल लेके आना पड़ेगा, और देख ही सकते हैं बहुत ही तेज़ पानी हो रहा है और पानी में भीग भीग के फिर आज पार्सल बांट रहा हूँ, लेट हो जाएगा मेरे को इसीलिए, इतना तेज पानी, बाप रे बहुत ही ज़्यादा पानी हो रहा है। दोस्तों लगातार पानी गिर ही रहा है और अभी थोड़ा सा पानी रुका है और इस थोड़ा सा टाइम को पूरा यूज करूँगा और जितना जल्दी हो सके जितना पार्सल बचा हुआ है ना उसको जल्दी जल्दी बांटूँगा, ठीक है। दिखा देता हूँ अब तक ब्याग वाला पार्सल जो है उसको खोला नहीं है, बस सामने जो पार्सल था उसी को खोल के पार्सल बांटा हूँ अभी तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा मौसम चेंज आया है तो जल्दी से बांटूंगा पार्सल, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा पानी छूटा था तो रेनकोट वगैरह सब कुछ खोल के रख दिया था बैग के अंदर, ठीक है, और फिर से मौसम बना रहा है, रिमझिम फिर पानी गिर रहा है और फिर से पहनूंगा, ठीक है। और यहाँ का एक पार्सल था उसको देने के लिए आया था मैडम के पास, हालांकि कॉल कर दिया हूँ तो मैडम बोले कि रुको भैया तुरंत आ रही हूँ, ठीक है, और मैं भी अपना रेनकोट निकाल लेता हूँ, और ये वाला भी ना आज टूट गया, पता है बहुत दिक्कत, इसी के अंदर मेरा रेनकोट है, जल्दी से पहन लेता हूँ क्योंकि फिर भीग जाऊँगा नहीं, तो ऐसे भीग के ना पूरा कपड़ा भीग गया था, ठीक है। तो फिर मैं रेनकोट खोला ना, हल्का सा धूप किया था तो गाड़ी चलाया जोर जोर से तो हवा के कारण पूरा सूख गया था, फिर भीग जाएगा इसलिए फिर से रेनकोट पहन लेता हूँ, हालांकि पहनने के बाद भी ना कुछ असर नहीं होता, नमी आ जाता पूरा शरीर में ना, पूरा नमी आ गया, कपड़ा देख ही सकते हैं पूरा नमी आ गया। दोस्तों यहाँ का पार्सल था, आ गई है मैडम और वहाँ पर देख ही सकते हैं झंडा वगैरह लगाया जा रहा है 15 अगस्त की तैयारी, वो देखो। दोस्तों फिलहाल यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, हॉस्टल का पार्सल था, लेकिन क्या हुआ ना कि मैडम आ गई थी कॉलेज, तो बोले कि भैया कॉलेज में ही पहुँचा दो पार्सल को, और वो आ रही है मैडम लेने के लिए, थोड़ा सा भीग गया है ना, पानी गिर रहा था, अंदर तक नहीं गया पानी, देख लीजिएगा अंदर। फिलहाल दोस्तों ऑफिस आ गया था और जल्दी से हाथ पैर धो लेता हूँ फिर पैसा जमा करूँगा, ठीक है, क्योंकि आज देख ही सकते हैं दिन भर भीगते भीगते ना मेरा हालत ख़राब हो गया, 3 दिन से भीग रहा हूँ, भीग भीग के पार्सल बांट, और ऊपर से कोई कस्टमर को अच्छा नहीं लगा मेरा डिलीवरी, तो चाहे भीग भीग के आया मेरा पार्सल भी भिगा दिया, क्या करूँ। मैं सोचा ना कि आज पानी छूटने वाला नहीं है इसलिए तो भीग भीग के बांटा, और मेरे को भी आज ज़रूरी था जल्दी घर जाने का। फिलहाल दोस्तों मैं घर आ गया था और शाम हो चुका है और अभी धूप निकला है, पता है, और सुबह से इतना पानी गिर रहा था कि मेरे को कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ। जल्दी से मैं नहा लेता हूँ फिर खाना खाऊंगा, भूख लगा है बहुत ही ज़ोर से, ठीक है, नहाने के बाद खाना खाऊंगा उसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। दोस्तों देख ही सकते हैं मेरा हेडफोन में ना साबुन का झाग लगा हुआ है, इसको पहन के ही नहा रहा था मैं। फिलहाल दोस्तों मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि घर पर ना कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, इसी प्लेट में निकाल देता हूँ खाना, और पता नहीं क्या बना है, क्योंकि सुबह इतना सुबह चला जाता हूँ ना काम पे, पता ही नहीं चलता कि घर में क्या बनता है, निकाल लेता हूँ खाना। मम्मी लोग थोड़ा कुछ काम से, मम्मी और पापा बाहर गए हुए हैं, देख लेता हूँ क्या बना है। दोस्तों देख ही सकते हैं चिकन बना है, मेरा फेवरेट, पता है चिकन खाओगे तुम लोग, चिकन बना हुआ है।
चलिए दोस्तों जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, मजा आ गया, बहुत ज्यादा भूख लगा था, और चिकन भी मजाक का सजा हो गया। बिल्ली मेरे खाने पे ना मुंह लगा दी, और देख लेता हूँ थोड़ा सा खाना बचा हुआ तो इसे खाऊंगा। बोलते हैं गाने गाने पे होता है खाने वाले का नाम, इस खाने पे मेरा नाम लिखा ही नहीं था, बिल्ली खाने। ये लो तुम लोग ले लो, तुम्हें दो मिनट खा लो, ठीक है। चिकन चाहिए तुम लोग को, रुको चिकन दे दूंगा। दोस्तों देख ही सकते हैं बहुत ही ज्यादा पानी गिरा है, और ये मेरा गैया माता के लिए ना ये घास पहले से काट के रखा हूँ। क्या हो रहा है? अरे मुनु दो एक मेरे को झंडा दो। थैंक यू सो मच। बोलो जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बन के जाओगे? जोकर? कृष्णा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा, और आज तो भीग भीग के पूरा पार्सल बांटना पता है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय। और जय हिंद, जय हिंद बोलते एक बार, जय हिंद, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। क्या बोल रही है? नहीं देता हूँ, ये बोल रही है कि पता है क्या बोल रही है कि मैं झंडा दे रही थी ना वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बन गया है, मेरा झंडा वापस करें।